हेलो, आज हम लोग इनइक्वालिटीज सीखने वाले हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज एक्स लेस देन टू को नंबर 9 पे ऐसे दिखाते हैं। यहां इक्वल टू नहीं है इसलिए ओपन गोला दिए हैं। ओपन गोला और इसे x बिलोंग्स टू बहुत पीछे माइनस इंफिनिटी से टू बोलते हैं। इक्वल टू नहीं है इसके लिए ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट इंफिनिटी फाइनाइट वैल्यू नहीं होता इसलिए एग्जैक्ट इसको बताया नहीं जा सकता सो हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है। हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है। ठीक है, x ग्रेटर देन 5 अगर हो तो नंबर 9 पे इस तरह से दिखाते हैं। इंटरवल में x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी। ठीक है, अगर हो x लेस देन इज इक्वल टू -8 तो नंबर लाइन पे -8 इक्वल टू है तो ये डार्क गोला लेस देन मतलब लेफ्ट तो ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू -infinity से -8। अगर इक्वल टू रहेगा तो बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 11 इसको नंबर 9 पे दिखाएंगे इक्वल टू है डार्क गोला और उससे ज्यादा मतलब राइट में। सो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 11 से इनफिनिटी। ठीक है, इन चारों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए। इन चारों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए। रिपीट, इनइक्वालिटी कम या ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। छोटू, इनइक्वालिटी कम या ज्यादा शो करने के लिए होता है और कोई इसका मतलब नहीं होता। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपेयर करने के लिए इसे यूज किया जाता है। इसे कहते हैं x इज लेस देन 2, x 2 से कम है। दिखाते हैं नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे दिखाते हैं 2 से कम मतलब 2 के बराबर नहीं होगा लेकिन उससे कम होगा। 2 के बराबर नहीं होगा लेकिन उससे कम होगा। और यहां पर लेफ्ट टू राइट ही हमेशा ये लिखा रहता है तो माइनस इंफिनिटी से जस्ट 2 तक, जस्ट 2 में छोटा ब्रैकेट, जस्ट 2 में छोटा ब्रैकेट। वैसे ही 5 से ज्यादा है, x इज ग्रेटर देन और मोर देन 5 तो 5 या उससे ज्यादा, जस्ट 5 से ज्यादा हमने दिया। और यहां पर ओपन इंटरवल, यहां पर फिर से इक्वल टू नहीं है, ओपन है तो ये ओपन देंगे, छोटा ब्रैकेट देंगे।
जाएगा कहां तक, बहुत आगे, दैट इज इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट चाहे प्लस हो या माइनस हो, कभी उसमें इक्वल टू नहीं लगता, इसलिए कभी उसका ब्रैकेट नहीं चेंज होगा। जब भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रहेगा, हमेशा छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगा उसमें। x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस एट, x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस एट, इसका मतलब हुआ कि x माइनस एट या उससे कम है, x माइनस एट या उससे कम है, तो माइनस एट के बराबर या उससे कम, ये रियल नंबर लाइन पे दिखाया गया। बराबर दिखाने के लिए हम लोग गोले को डार्क करते हैं और इंटरवल में लिखने के लिए माइनस इंफिनिटी से माइनस एट तक, तक दिखाने के लिए हम लोग, तक दिखाने के लिए हम लोग ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहां x इज मोर देन, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, तो 11 पे डार्क और उससे ज्यादा, 11 पे बिग ब्रैकेट और उससे ज्यादा इंफिनिटी तक। अभी भी किसी और को दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, एक बार और देखिए, लेस देन टू रहेगा, लेस देन टू रहेगा तो रियल नंबर पे, देखिए अगर लेस देन या ग्रेटर देन रहे तो रियल नंबर लाइन पे ओपन होना होता, लेस देन के लिए लेफ्ट, ग्रेटर देन के लिए राइट, इक्वल टू रहेगा, इक्वल टू रहेगा तो डार्क बोला, इक्वल टू है तो डार्क गोला, इक्वल टू नहीं है ओपन गोला, लेफ्ट लेस देन, लेस देन लेफ्ट में है, ग्रेटर देन राइट में है, ग्रेटर देन राइट में है। नहीं लगा सकते आदित्य, लेस देन है, इक्वल टू नहीं होल्ड करेगा, फिर से यहां इसके बाद इधर ओपन गोला रहेगा, छोटा ब्रैकेट देना है, स्मॉल ब्रैकेट देना है, डार्क गोला रहेगा, बिग ब्रैकेट देना है, स्क्वायर ब्रैकेट देना है, समझे शिवम आदित्य? इक्वल टू है तो डार्क, तो हमारा डार्क हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट लगा, इक्वल टू नहीं है ओपन गोला एंड स्मॉल ब्रैकेट। और किसी को कोई दिक्कत? देखिए आप लोग में से कई लोग नाम से तो ज्वाइन किए हैं लेकिन अपना रोल नंबर नहीं लिखे हैं, आगे से आप अपना रोल नंबर भी लिखा कीजिएगा ताकि आपका अटेंडेंस बनाया जा सके, डेली अटेंडेंस, ठीक है, ओके। इसके आगे बढ़ते हैं, एक्स फ्रॉम टू टू फाइव, ये हो गया 2 से 5 तक, इसको लिखेंगे x belongs to 2 to 5, x from 3 to 8, 3 8
थ्री पे ओपन है, एट पे डार्क है और थ्री से एट के बीच में, थ्री से एट के बीच में है। यहां पर हो गया एक्स बिलोंग्स टू जस्ट थ्री से एग्जैक्ट एट तक, एक्स फ्रॉम माइनस वन से सेवन तक, माइनस वन सेवन इक्वल टू के लिए डार्क एंड नॉट इक्वल टू के लिए ओपन। एक्स माइनस टू से नाइन, माइनस टू नाइन, ये चारों है कहां से कहां तक, ये चारों हुए कहां से कहां तक, बट चारों सेम नहीं है, डिफरेंट है। चारों सेम नहीं है, डिफरेंट है। जहां पर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का जिक्र है उस जगह के लिए स्मॉल ब्रैकेट, जहां पे इक्वल टू साइन लगा हुआ है उस जगह के लिए डार्क गोला है एंड बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए बताइए, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब हम आपको यूनियन और इंटरसेक्शन करना इसमें सिखाते हैं। सेट थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनियन का मतलब कॉमन होता है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है जो दोनों में मौजूद हो। यूनियन का मतलब इधर होता है, किसी में भी मौजूद रहे वर्क कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन करने का कला सीखेंगे। एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से एट इंटरसेक्शन थ्री से इलेवन, इसको देखिए कैसे करेंगे। नंबर लाइन पे पहले माइनस वन थ्री, इनको चारों को अरेंज कीजिए, माइनस वन थ्री एट इलेवन, चार नंबर्स थे हमारे पास, सबको हमने अरेंज कर दिया।
दैट मीन्स जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व होंगे इन टावर में सभी को पहले अरेंज करना, ओके। इसके बाद एक इंटरवल को शो कीजिए, दोनों जगह ओपन है माइनस वन से एट तक, हो गया। अब आप अगले को कीजिए एग्जैक्ट थ्री से जस्ट इलेवन, एग्जैक्ट थ्री से जस्ट इलेवन। अब आपको वो पोर्शन सिलेक्ट करने हैं, वो पोर्शन सिलेक्ट करने हैं जो दोनों में मौजूद है, और दोनों में मौजूद ये पोर्शन आपको इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, सो एक्स बिलोंग्स टू हुआ एग्जैक्ट थ्री से जस्ट एट तक, क्योंकि एक जगह ओपन है तो ये जस्ट एट आ गया, दोनों जगह ये थ्री शामिल है तो फाइनल में भी थ्री शामिल है। इसको पहले समझ के बताइए, कहीं पे कंफ्यूजन है तो बोलिए, इसमें कहीं पे भी कंफ्यूजन आपको लग रहा है तो आप हमें बताइए। नो प्रॉब्लम, तो फिर क्वेश्चन का सामना कीजिए। x belongs to closed interval 2 से 8, intersection just 5 से exact 9, बताइए इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं करके बताइए। जस्ट फाइव से एग्जैक्ट एट, यही सबका आ रहा है तो फिर सबका सही है। साबिर बिना इंटरवल के आपका गलत हो जाएगा, आपको इंटरवल लिखना होगा। फाइनल आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू जस्ट फाइव से एग्जैक्ट एट, सबको आ गया है। क्या सोल्यूशन का जरूरत है, क्या किसी को सलूशन का जरूरत है? नहीं, ठीक है। तो आप हमें x belongs to minus infinity से 3, intersection minus 2 से infinity, बताइए कितना होगा।
जस्ट माइनस टू से थ्री, हाँ चल तो सही रहा है। देखिए पिछले वाला का जो सोल्यूशन था वो टू से एट तक, और ये है जस्ट फाइव से एग्जैक्ट नाइन तक। तो कॉमन हमारा ये क्वेश्चन हुआ था जस्ट फाइव से एग्जैक्ट एट, सही है। और इसमें अगर देखा जाए तो थ्री से पहले है और माइनस टू के आगे, तो कॉमन हमारा माइनस टू से थ्री हो जाएगा। सो माइनस टू से थ्री हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसमें आप सभी लोगों ने सही किया है, इसका मतलब कॉमन आप लोग ले लीजिएगा। क्या आप लोग कॉमन ले पाएंगे, इससे पूछ रहे हैं, क्या आप लोग कॉमन ले पाएंगे सही से, ठीक है, कॉमन आप ले पाएंगे ये अच्छी बात है। अब हम आपको यूनियन करना सिखाते हैं, दो इंटरवल का यूनियन कैसे करते हैं। x बिलोंग्स टू माइनस फाइव से इलेवन यूनियन थ्री से थर्टीन। सबसे पहले देखिए सभी को सजाइए माइनस फाइव से 11 तक, एंड देन जस्ट 3 से जस्ट 13 तक, जस्ट 3 से जस्ट 13 तक। अब इसमें लगा हुआ क्या है, यूनियन, इसमें लगा हुआ ये यूनियन है। यूनियन का मतलब इधर होता है किसी में भी मौजूद है, किसी में भी मौजूद है तो हमें उसको लेना है, किसी में भी मौजूद है तो हमें उसको लेना है। तो उसको कैसे करें, उसको करेंगे माइनस फाइव से शुरू हुआ और ये चला कहां तक, 13 तक, माइनस फाइव से 13 तक। क्या आपको समझ में आया या सम डाउट्स, किसी में भी मौजूद है तो आपको लेना है, किसी में भी मौजूद है तो आपको लेना है, यही बात है, क्या आपको समझ में आया। समझ में आ गया, ये अच्छी बात है। तो अगर समझ में आया है तो आप हमें क्वेश्चन बना के दिखाइए, x belongs to closed interval minus 2 से minus 1 union या minus 2 से 2 रखिए union 1 से 8, इसका यूनियन बताइए कितना होगा। एग्जैक्ट माइनस टू से जस्ट एट, देखते हैं माइनस टू टू, एग्जैक्ट माइनस टू से जस्ट टू ओपन है, क्लोज्ड वन से जस्ट एट
तो ये फाइनली हुआ माइनस टू से चलते हुए एट का, ठीक है, माइनस टू से एट तक सही है। अब हम आपसे एक और सवाल पूछते हैं, x belongs to minus 3 से 4 union 6 से 9, ये कितना होगा? माइनस थ्री से नाइन, आदित्य का कहना है, दीपक का कहना है, और किसी को? ऐसा ओपिनियन आदित्य एंड दीपक का है, क्या सबका यही ओपिनियन है? यूनियन होगा ही नहीं सर। अच्छा, यूनियन ही नहीं होगा, ये गलत है। देखिए, इसका यूनियन होगा x belongs to minus 3 से 4 union 6 से 9। क्यों ऐसा होगा वो देखिए, minus 3 को 6 9, हमने क्या कहा था, यूनियन किसी में भी मौजूद है तो उसे लेना, डेटा इसके पास है, यहाँ खाली है, फिर इसके पास है, तो ये एजिस हो जाएगा, इसे आप छोटा नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास कोई कॉमन नहीं, कोई कॉमन नहीं है। क्या आपको समझ में आया? यूनियन यही लिखा जाएगा और छोटा आप नहीं बना सकते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से फाइव इंटरसेक्शन एट से ट्वेल्व, ये कितना होगा? नल, आदित्य का कहना है कि नहीं होगा, शिवम का कहना है जीरो, जीरो तो नहीं होता, कुछ हो जीरो नहीं होता है, इसको सेट थ्योरी में एक स्पेशल नाम से लिखा गया है। अभिमन्यु का भी कहना है नहीं होगा, देखिए नहीं किसे होगा, कॉमन तो होकर रहेगा, माइनस टू फाइव एंड एट ट्वेल्व, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर कॉमन नहीं है तो एक्स में कुछ तो बताइएगा, बिल्कुल कॉमन नहीं है, कोई भी टर्म कोई भी नंबर दोबारा नहीं आया, तो हम कहेंगे एक्स बिलोंग्स टू फाइव, नल से फाइव होता है, नल से, इसी को कहते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट, सही आदित्य, फाइव होगा, फाइव। अभिमन्यु का भी सही है, और जो लोग जीरो बोल रहे हैं या कह रहे हैं कि नहीं होगा वो गलत है, होगा तो होगा जरूर। क्या आप लोगों को समझ में आया?
क्या आपको समझ में आया? बोलिए। ओके, तो अब हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी का स्टार्ट करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी अभी था, अभी तक जो हमने इनइक्वालिटी में किया वो था लेस देन ग्रेटर देन को लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट क्या करते हैं, किस सिंबल का क्या मतलब होता है, कैसे लिखा रहेगा उसका मतलब क्या समझेंगे, ये सब चीजें था। कॉमन कैसे करेंगे, यूनियन कैसे करेंगे, इंटर कैसे करेंगे, ये सब। अब हम इनके यूज करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी में पहले। हमारा फर्स्ट टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटी। ये क्या कहता है सो समझिएगा ध्यान से। अगर आपके पास x ग्रेटर देन y है, ठीक है, तो ऐसे में अगर दोनों साइड में कोई खास नंबर आप ऐड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। k अगर पॉजिटिव है तो ये एडिशन कहलाएगा, k निगेटिव है तो ये आपको सब्ट्रैक्शन कहलाएगा। ये ऑलवेज करेक्ट है, हमेशा के लिए सही है, जब तक ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स होंगे, जब तक ये सारे रियल नंबर्स होंगे। अब इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई का जिक्र, ये तब तक सही है जब तक के मेरा पॉजिटिव है, और अगर के निगेटिव ठहरा तो ऑपरेटर चेंज कर जाएगा। के मल्टीप्लाई जिससे कर रहे हो या डिवाइड जिससे कर रहे हो, मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही होता है, फोर्थ से मल्टीप्लाई करने को मल्टीप्लाई करते, वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं फाइव से डिवाइड करना, वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं फाइव से डिवाइड करना। यहां देखिए x इंटू के ग्रेटर देन y इंटू के, ये तब होगा, सेम ऑपरेटर तब मेंटेन होगा जब के पॉजिटिव है, मल्टीप्लाइंग डिवीजन नंबर पॉजिटिव है। अगर निगेटिव नंबर से आपने गुणा या डिवाइड किया तो ऑपरेटर आपका चेंज कर जाएगा। अगर यहाँ इक्वल टू है तो मेंटेन रहेगा, यहाँ इक्वल टू नहीं है तो कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले यही वाला करते हैं। जैसे देखिए सपोज कर लीजिए मेरे पास है 3x + 4 > 13, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम इसे कैसे कहेंगे, 4 राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज करेगा, 3 पॉजिटिव नंबर है इससे डिवाइड करने के ऑपरेटर तो पर नहीं बनेगा, x ग्रेटर देन 3 इसको हम लिखेंगे 3 से इंफिनिटी। क्या आपको समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया? बोलिए, बताइए। ठीक है, समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन को आप बनाइए। 2x + 4 / 3
ग्रेटर देन इज इक्वल टू सिक्स। यहां से एक्स आपको बताना है क्या होगा, एक्स आपको बताना है क्या होगा, आंसर्स लोगों के अलग अलग आ रहे हैं। एग्जैक्ट सेवन से इन्फिनिटी, देखिए थ्री एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास 2x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 6 18 हो गया। ये 4 दूसरी साइड जाने पे ऑपरेटर चेंज कर, ये चेंज जाने पे साइन इसका चेंज करेगा, so 2x greater than equal to 18 minus 4 is 14। 2 positive number है, इससे divide करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, off देगा। x greater than equal to 7 है, इसे x belongs to exact 7 से infinity कर, exact 7 से infinity कर। अब सही हो रहा है लोगों का, लेकिन शुरू में जो आप लोग आंसर्स बोले थे वो आप लोग के सही नहीं थे, ठीक है, वो आप लोग के करेक्ट नहीं थे। सो एक क्वेश्चन हम और आपको देते हैं ताकि आपका करेक्ट होने लगे। इतना प्रॉपर्टीज करके एनसीईआरटी में एक पूरा चैप्टर दे दिया गया है, उस चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। थ्योरी सिर्फ इतना ही है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन है 3x माइनस 5/2 लेस देन इज इक्वल टू 4x प्लस 1/3 प्लस 4। एक्स बताइए क्या होगा कैसे होगा, एक्स क्या होगा कैसे होगा,
माइनस इंफिनिटी से 29, और एक आध लोग का देख लिया जाए। हाँ, तो यही रहा लगभग, लेकिन किसी का 11 तक है, किसी का 41 तक है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले राइट साइड में एलसीएम लेंगे, 3x माइनस 5 बाय 2 लेस देन इज इक्वल टू एलसीएम 3, 4x प्लस 1 प्लस 3 चौको 12, 12। ये 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 इंटू 3x माइनस 5 less than is equal to 2 into 4x plus 12 plus 1 is 30. ये 9x minus 15 less than is equal to 8x plus 26. 8x यहां subtract करेंगे, left में लाएंगे और ये यहां जाएगा, add होगा, यहां हो गया x और यहां हो गया 41. So x belongs to minus infinity से 41, जिनका जिनका भी था वो सही है। अभिमन्यु का सही हुआ, आदित्य का सही हुआ, काव्या का सही हुआ, साबिल का गलत है, अभिषेक गलत, ऐसा कुछ डेटा अपने पास आया। तो बताइए क्या इस पे और प्रैक्टिस कराएं हम? बोलिए। ठीक है, समझ गए। तो एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम लोग इसके अगले प्रैक्टिस पे चलेंगे कि नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्या हमें सीखना है, इनइक्वालिटी में और क्या क्या चीजें हमारे सामने आने वाले हैं। एक क्वेश्चन से 2x माइनस 3 बाई 4 लेस दैन 5 माइनस 3x बाई 3, x बताना है क्या होगा, x बताना है क्या होगा। काव्या इंटरवल में ना होगा, ऐसे 11/18 लिखने से थोड़े काम चलेगा, किसी इंटरवल में बताइए। आदित्य, अभिषेक, साबिल का एक ही जैसा आंसर आया है, अभिमन्यु का वही है, शिवम का वही है। ठीक है, तो चेक करते हैं, एलसीएम लेना नहीं है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इन 2x माइनस 3
less than 4 into 5 minus 3x. 3 2 is 6x, 3 3 is 9, 4 5 is 20, 4 3 is 12. ये 12 इधर आ जाएगा ऐड होके 9 इधर आ जाएगा राइट में 12 plus 6 18x less than 29 x less than 29 by 80 so x belongs to minus infinity से 29 by 80 इस बार काव्या के अलावा बाकी सबका करेक्ट हुआ है मेरे हिसाब से काव्या ने यहाँ पे प्लस लेके स्टार्ट किया होगा बनाना जिसके कारण वो जो ये प्लस 9 हुआ है उसको ये माइनस 9 आया है क्या काव्या यही बात है ना बाकी आपका नीचे 18 है तो आपको जो 29 के बदले 11 आया है बस यही है यहाँ पर आपका प्लस से स्टार्टिंग हुआ होगा और वही सब जगह इफेक्ट किया ठीक है तो ये आपने डन कर लिया ये हो गए आपके सिंगल इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस हो गए अब हम लोग एक साथ एक से ज्यादा इनइक्वालिटी का सामना करना पड़े उसको देखते हैं टू एक्स माइनस फाइव टू से सेवन सपोज कर इसको कैसे बनाएंगे इसको मेथड वन क्या है वो बताते हैं मेथड टू क्या है वो बताते हैं मेथड वन ये कहता है माइनस फाइव दूसरी साइड में जाने पे प्लस होता है तो टू प्लस फाइव लेस देन टू एक्स ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू सेवन प्लस फाइव मतलब जब दूसरे साइड में भेजेंगे तो सिर्फ राइट में ही नहीं लेफ्ट में भी इफेक्ट करेगा लेफ्ट राइट दोनों साइड में इफेक्ट करेगा अगर बीच से कुछ करते हैं अब यह है सेवन टू एक्स ट्वेल्व ये टू एक्स है प्लस टू से डिवाइड करने पे ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में बनेगा तो ये हो जाएगा सेवन बाई टू 12 by 2 ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए ऑपरेटर को कोई फर्क नहीं पड़ा ये आपको x 7 by 2 से 6 हो गया कट ओके अब मेजर 2 में चलते हैं मेजर 2 में इतने पार्ट को पहला पार्ट लेंगे 2 less than 2x minus 5 बीच में एंड लिखेंगे अगला यहीं से स्टार्ट करेंगे 2x minus 5 less than is equal to 6 मतलब एक डबल इनइक्वालिटीज दो सिंपल इनइक्वालिटी में चेंज हो गया बदल गया तो इसको 5 को इधर करने पे 2 plus 5 less than 2x 7 less than 2x 2 इधर करने पे 7 by 2 हो जाएगा so x more than 7 by 2 ये 5 में जाने पे 5 plus 7 12 2 उधर जाने पे divide अब इनके बीच में क्या करना है हमें common करना है देखते हैं 7 by 2 या उससे ज्यादा 6 या उससे कम तो यहां पर एंड के कारण हुआ कॉमन और कॉमन कितना आया है वो देख लीजिए 7 by 2 से एग्जैक्ट 6 तक 7 by 2 से एग्जैक्ट 6 तक ये कॉमन आया और यहां क्या था यहां पर भी यही था 7 by 2 से एग्जैक्ट 6 तक अब आपके पास दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है
ये पूरा काम एक ही बार में करते जाता है, ये पूरे काम को दो भागों में डिवाइड करता है, दो भागों में बांट लेता है, फिर जो आता है उसको एंड करता है, कॉमन करता है। क्या दोनों मेथड आपको समझ में आए? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, समझ में आया तो। हो गया, चलिए इसमें बस हम एक चीज सिखाना चाहेंगे, प्लस माइनस को हटाने में आपको कोई कभी सोचना नहीं है, आप हटा दीजिएगा डायरेक्टली। लेकिन एक्स के कोफिशियंट को हटाने से पहले, एक्स के कोफिशियंट को हटाने से पहले उसे पॉजिटिव बना दीजिएगा। आप पॉजिटिव कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सपोज कर लो मेरे पास था माइनस ए माइनस टू एक्स सिक्स, तो पहले ये माइनस साइन हटाएंगे या माइनस टू ही अगर पूरा हटाना है, माइनस टू पूरा हटाना है तो सिक्स इधर आ जाएगा, इसमें इक्वल टू नहीं है वो, इसके पास इक्वल टू नहीं रहेगा और डिवाइड माइनस टू से किए, ये माइनस एट राइट में चला जाएगा इस ऑपरेटर के साथ और माइनस टू से डिवाइड होगा। देखिए जब पॉजिटिव नंबर में हम लोग ये काम किए थे तो एज इट इज ऑपरेटर रहा था, जब निगेटिव नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू एक्सचेंज हो गया, लेफ्ट राइट चेंज हो गया विद ऑपरेटर, सिक्स के साथ यही ऑपरेटर रहेगा, माइनस एट के साथ यही ऑपरेटर होगा, यहां दो से डिवाइड हुआ ही था, यहां माइनस दो से डिवाइड हुआ। इस प्रकार से ये एक्स कॉम माइनस थ्री से हो, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या माइनस वाला आपको समझ में आया? जब भी माइनस से डिवाइड कीजिएगा आप ये दोनों चेंज करेंगे विद ऑपरेटर, विद ऑपरेटर चेंज करेंगे। क्या आपको ये समझ में आया? ओके, तो अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा।
काव्या जब माइनस से डिवाइड कीजिएगा तो लेफ्ट वाला राइट में कर दीजिएगा, राइट वाला लेफ्ट में कर दीजिएगा, और ऑपरेटर सबका अपना वाला होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाइए आप, पाई माइनस थ्री एक्स यहां पर माइनस माइनस सेवन और यहां पर ट्वेंटी थ्री। चलिए इससे x बताइए तो क्या होगा, यहां से x बताइए क्या होगा, माइनस सिक्स क्लोज से जस्ट फोर ऐसा आया है। अच्छा, ऐसा ही सबको आते जा रहा ना। ठीक है, देखिए पहले कांस्टेंट टर्म को चेंज करेंगे तो 5 प्लस 5 दूसरी साइड में जाके प्लस 5 दूसरी साइड में जाके माइनस 5 बनेगा, दूसरी साइड में जाके माइनस 5 बना। अब ये है माइनस 12 माइनस 3x 18। अब माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो साइड चेंज करेगा, 18 y माइनस 3 के साथ एंड ये इधर आएगा लेस देन के साथ, ये आपको माइनस सिक्स और यहां फोर, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज माइनस फोर से जस्ट फोर, हाँ क्लोज माइनस सिक्स से जस्ट फोर। तो शिवम आपको अपना गलती समझ में आ रहा कहीं पर, अभिमन्यु ठीक है, हम एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इस बार थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। एट माइनस थ्री आर 2 माइनस 5x लेस देन 27, यहां इक्वल टू, यहां इक्वल टू नहीं दे रहे हैं, फोर्टी टू, इसको सॉल्व कीजिए।
5 से 8, माइनस 8 से माइनस 5, माइनस 4 से माइनस 8, माइनस 8 से 5, माइनस 5 से माइनस 8, नहीं हो रहा आप लोग को। चलिए इसको करते हैं, फिर से देंगे 2 दूसरी साइड में भेजेंगे, प्लस 2 दूसरी साइड में जाके माइनस 2 बनेगा। और ये 25 माइनस 5x 40, आपको माइनस 5 से डिवाइड करना होगा। माइनस 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ऑपरेटर चेंज करता है, ये 40 इधर और ये 25 इक्वल टू के साथ इधर, तो ये हो गया माइनस 8, ये हो गया माइनस 5। सो x बिलोंग्स टू माइनस 8 से एग्जैक्ट माइनस 5। और दे बताइए, इसके और प्रैक्टिस कराने होंगे या समझ में आया? समझ गए, ठीक है। तो हम अगला मुकाम शुरू करते हैं इसका, नेक्स्ट थिंग। इसमें था कि एक्सप्रेशन दिया हुआ था कि कहां से कहां तक है, एक्सप्रेशन कहां से कहां तक है दिया हुआ था, और एक्स कहां से कहां होगा ये निकालना था। मेरा नेक्स्ट सीन है कि मेरे को एक्स मालूम रहेगा कि कहां से कहां तक, और उसके बेसिस पे एक्सप्रेशन का पता करना होगा कहां से कहां तक। इसे बोलते हैं रेंज। तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 इफ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 2 से 5। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहां से शुरू करेंगे और इस एक्सप्रेशन को तैयार करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को तैयार करेंगे तो हमें y का रेंज मिल जाएगा। तो ये इसको इनइक्वालिटी में लिखिए, क्लोज्ड 2 क्लोज टू 5, 2 से 5 क्लोज 2 5 ही क्लोज्ड, वो ये हो गया। अब मेरे को x के बजाय क्या करना है, 3x, क्या तैयार करेंगे 3x। पहले मल्टीप्लाई डिवाइड तैयार होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड तैयार होता है, तो ये 3x, तो 3 प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा, और प्लस में कोई बदलाव कहीं नहीं होता। सो 6 3x 15, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी जो होते हैं वो पूरे में होते हैं और कहीं पे कोई बदलाव नहीं होता। तो माइनस 4 तैयार करेंगे, सब में तैयार करेंगे, 6 माइनस 4 3x माइनस 4 15 माइनस 4, तो ये 6 माइनस 4 2 3x माइनस 4 हमारा तैयार हो गया y, और ये 15 माइनस 4 11, सो y बिलोंग्स टू 2 से 11, y belongs to 2 से 11।
क्या पता चला आप लोग को? क्या आप लोगों को मालूम चला या कुछ डाउट्स है? ठीक है, तो अब आप हमें क्वेश्चन बताइएगा। वाई टू बाई थ्री एक्स माइनस फोर, अगर एक्स आपके पास माइनस सिक्स से नाइन है तो y का रेंज क्या होगा? आपको y का रेंज बताना है कितना होगा। माइनस एट से टू, अच्छा माइनस एट से टू आ रहा है आप लोगों को। देखते हैं मैक्सिमम का तो यही है। सबसे पहले एक्स लिखेंगे, क्लोज्ड माइनस सिक्स से क्लोज्ड नाइन, 2 बाई थ्री पॉजिटिव नंबर है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे सिस्टम को, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन निगेटिव से करने पे क्या होता है, एक्सचेंज करेगा। अगर आपके पास ये रहता 2 से 5 और आप मल्टीप्लाई करते माइनस 2 से, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई होते ही ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करना हो तो वैल्यू एक्सचेंज कर जाता है विद ऑपरेटर, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर माइनस फोर टू बाई थ्री एक्स सिक्स, और अब हमें माइनस फोर करना है तो पूरे में करेंगे ये माइनस ए टू बाई थ्री एक्स माइनस फोर टू, और यही था मेरा वाई रेंज।
So y belongs to closed minus 8 से closed 2. क्या सबको समझ में आया? ठीक है, अब हमें आपको स्क्वायर करना सिखाते हैं. ठीक है, ये सब आपने सीख लिया, अब हम आपको स्क्वायर करना सिखाते हैं. हाउ टू स्क्वायर. How to square ये हम लोग कर रहे हैं. देखिएगा how to square. Single वाला में देखिए x greater than 6 है, हमें करना है square. Single वाला में जब करेंगे तो अगर positive side दोनों हम मान के चलते हैं, 6 positive है और इससे ज्यादा ये भी positive. सब positive होने के कारण स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. अब यही चीज इक्वल टू के साथ है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगा. ये चीज अगर आपको लेस देन के साथ रहे तो 8 से लेस देन जो x है वो 8 से लेस देन नेगेटिव भी हो सकता है और स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है. तो जब 8 से लेस देन है तो यहां स्क्वायर मत कीजिएगा. x स्क्वायर लेस देन 8 स्क्वायर ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, मिस्टेक हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही आप बोलिएगा कि 64 से कम है x स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं, तो 0 से 64 आप बोले, जबकि x लेस देन 8 का मतलब -10 और -10 का स्क्वायर 100 है जो कि 64 से लेसस नहीं होते. सिमिलरली x लेस देन इज इक्वल टू 5 है तो यहां पर भी आपका x स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 5 स्क्वायर कहना गलत होगा. हाँ, तो फिर से रिपीट करते हैं आदित्य. अगर ग्रेटर देन साइन है पॉजिटिव नंबर के साथ, ग्रेटर देन साइन है पॉजिटिव नंबर के साथ तो हमेशा पॉजिटिव होगा. ये पॉजिटिव है तो इससे ज्यादा वाला भी पॉजिटिव होगा. दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर है, दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हम डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, सभी को स्क्वायर कर सकते हैं. स्क्वायर करेंगे एज की जो ऑपरेटर चलते चला जाएगा. लेकिन दोनों में से एक भी साइड, दोनों में से एक भी साइड अगर निगेटिव ठहरा, अगर निगेटिव ठहरा तो मिस्टेक हो जाएगा दोनों साइड में स्क्वायर करना. 8 से लेसर्स पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं. जब तक x पॉजिटिव रहेगा तब तक स्क्वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा. जैसे ही x नेगेटिव नंबर हो जाएगा तुरंत इसमें परेशानी हो जाएगा शुरू. जैसे कि x को अगर -11 लेते हैं, x को -11 लेते हैं तो -11 लेस देन 8, -11 लेस देन 8 बिल्कुल करेक्ट है. अब इनको स्क्वायर कीजिए तो 121 लेस देन 64 क्या अब भी सही होगा? नहीं सही है ना, ये सही नहीं है जबकि ये सही था. इसको स्क्वायर किए फर्क हो गया, नहीं नहीं हुआ, वही चीज यहां भी है. नेक्स्ट इसको ज्यादा जो है हम वो निगेटिव नंबर से दिखाएंगे. -6 से ज्यादा आपको क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है. तो यहां पर भी अगर आप स्क्वायर कर देंगे ये +36 हुआ, ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, मिस्टेक हो जाएगा.
अगर आपका x greater than or equal to minus 5 है तो आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, जबकि अगर आपका x less than minus 4 है, x less than minus 4 है तो minus 4 से छोटा क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा। तो सबसे पहले आप इसे साइन को चेंज कर लीजिए और फिर स्क्वायर कीजिए, तो 16 less than x square ये करेक्ट है, और इसे आप बोल सकते हैं x square more than 16। इसी प्रकार से अगर आपको x less than is equal to minus 3 मिल जाए तो पहले साइड बदल लीजिए, अब स्क्वायर कीजिए, x स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9, ये आपका करेक्ट। निगेटिव से छोटा भी तो एक निगेटिव है, और निगेटिव नंबर में माइनस साइन लगाने का मतलब माइनस x पॉजिटिव हो गया, तो 3 पॉजिटिव एंड माइनस x पॉजिटिव, दोनों साइड पॉजिटिव रहेंगे तो स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब आपको कोई डाउट है इसमें तो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। सेवन एट रिपीट, ठीक है अमीर अमनदीप, देखिएगा दीपक ब्लैक पार्ट कौन सा है तो हमको पता नहीं चल रहा है, ब्लू पार्ट, अच्छा ब्लू पार्ट फिर से ना, तो देखिए एक माइनस सिक्स से ज्यादा है, माइनस सिक्स से ज्यादा क्या होगा, माइनस सिक्स से ज्यादा आपका माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, दैट मीन्स एक्स पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो अगर हम पॉजिटिव सोचे तो एक्स को हम 10 ले सकते हैं, ये अभी तक सही है, स्क्वायर करेंगे तो 100 मोर देन 56 ये सही है क्या, सही है, लेकिन ये भी तो सही है, हाँ ये सही है, तो स्क्वायर करने पे क्या ये सही होगा, नहीं होगा, गलत हो सकता है। सो माइनस से ज्यादा अगर वेरिएबल है तो स्क्वायर नहीं होगा, इक्वल टू में भी स्क्वायर्स नहीं होंगे, माइनस से वेरिएबल अगर छोटा है तो माइनस से छोटा माइनस ही होगा, निगेटिव से छोटा निगेटिव ही होगा, तो हम साइड अगर बदल दे तो माइनस एक्स मेरा पॉजिटिव नंबर बन गया, माइनस एक्स मेरे को पॉजिटिव नंबर बन गए, तो दोनों जब पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 16 ये x स्क्वायर ग्रेटर देन 16। और वही चीज यहां भी एक सिर्फ इक्वल टू के साथ। दीपक अमनदीप क्या आप लोगों को समझ में आए,
चलिए, क्या आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ चुका है? ठीक है, ये था सिंगल इनइक्वालिटी का खिलाफ। अब इसमें डबल इनइक्वालिटी का खेल खेलते हैं। इसी में डबल इनइक्वालिटी का हम खेल खेलते हैं। डबल इनइक्वालिटी का खेल क्या है? एक्स फॉर्म 2 से 5 है, तो 2 से 5 के बीच में यही वेरिएबल पार्ट हमारा पॉजिटिव है। तो जब दो सब जगह पॉजिटिव है तो इसको स्क्वायर करने पे हमें 4 से x² 25 तक होगा। ये बिल्कुल सही। एक और कर देते हैं इसका, जैसे कि स्क्वायर करने पे 9x² 64। सब जगह पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं, सब जगह पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ ठीक होगा। अगर आपको एक जगह भी निगेटिव आ जाए, -2 से 5 तक एक जगह भी निगेटिव आ जाए तो सावधान। क्या सावधान? बीच में जीरो हो सकता, बीच में जीरो हो सकता है, तो सबसे छोटा वैल्यू आपको जीरो मिलेगा और सबसे बड़ा वैल्यू इन दोनों में मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा है वो देगा। ठीक है, हम इसी में अभी कर लेते हैं। -3 तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो बीच में जीरो आ चुका है वो रहेगा ही रहेगा, और इन दोनों में मैग्नीट्यूड इसका कम है, मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है, तो ये वाला स्क्वायर में दोनों साइड में अगर निगेटिव है तो क्या करना होगा वो देखा जाए। -5 -1 दोनों साइड में निगेटिव है मतलब सब कुछ निगेटिव है, बीच में जीरो नहीं आया, बीच में जीरो नहीं आएगा का मतलब सबसे छोटा मैग्नीट्यूड बाई साइड में और सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड दाई साइड। क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया? कल हम लोग इस स्क्वायरिंग पे एग्जांपल्स और करेंगे, आप लोग को बनाने के लिए देंगे। अभी जितना बताए हैं स्क्वायरिंग, वेरिएबल को स्क्वायर करना, सिंगल इनइक्वालिटी एंड डबल इनइक्वालिटी, क्या ये सब कुछ समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।